जिला कांगड़ा के नगर परिषदों और नगर पंचायत का आरक्षण रोस्टर जारी किया गया। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति की मौजूदगी में ये प्रक्रिया लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से डीसी कार्यालय में पूरी की गई। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि चुनाव आयोग के आदेश आए थे कि 30 अगस्त तक नगर परिषदों और नगर पंचायतों के आरक्षण रोस्टर को पूरा करना है। उसी के तहत 27 अगस्त को आरक्षण के लिए बैठक रखी थी, लेकिन 29 अगस्त को क्लैरिफिकेशन आने के बाद तैयार रोस्टर को वापस लिया गया था। डीसी ने कहा कि 29 अगस्त को ही शहरी विकास विभाग का 7 पॉइंट का क्लैरिफिकेशन आया था। उसके हिसाब से 4 सितंबर को नगर परिषदों और नगर पंचायत ज्वाली का रोस्टर तैयार करने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत 7 नगर परिषदों और 1 नगर पंचायत का आरक्षण रोस्टर जारी करने का कार्य संपन्न किया गया है। डीसी ने बताया कि धर्मशाला नगर निगम को लेकर शहरी विकास विभाग से कुछ बिंदुओं को लेकर क्लैरिफिकेशन मांगी थी, जो सूचना हमें दी गई है उसके तहत मामला लॉ डिपार्टमेंट में भेजा गया है। प्रदेश चुनाव आयोग ने 5 सितंबर तक की तिथि निर्धारित की है, ऐसे में कल तक का समय है। क्लैरिफिकेशन आने के बाद आरक्षण रोस्टर जारी किया जाएगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो आदेश आए थे कि 30 अगस्त तक जो रिजर्वेशन रोस्टर है हमारे म्यूनसिपल काउंसिल के और नगर पंचायत को, उसको कंप्लीट करना था। उसी दिशा निर्देशानुसार हमने 27 तारीख को एक रिजर्वेशन के लिए मीटिंग रखी थी, लेकिन 29 तारीख को क्लैरिफिकेशन आने के बाद जो रोस्टर तैयार हुए थे उनको वापस लिया गया था। और 29 तारीख को अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा 7 पॉइंट का क्लैरिफिकेशन आया था। उस क्लैरिफिकेशन के हिसाब से पुनः आज की तारीख तय की गई थी कि जितने भी म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं और हमारा एक नगर पंचायत ज्वाली है उसका रोस्टर तैयार किया जाएगा। तो आज 7 म्यूनसिपल काउंसिल और 1 नगर पंचायत, टोटल 8 जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, उनका जो रिजर्वेशन रोस्टर है सभी के समक्ष, जो हमारे वहाँ के प्रोमिनेंट सिटीजन्स थे, जो ऑफिसर्स थे, उनके समक्ष इसको आज संपन्न किया गया है। धर्मशाला नगर निगम को लेकर हमने 2-3 बिंदुओं पर अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से कुछ क्लैरिफिकेशन मांगी थी और जो उनके माध्यम से हमारे पास सूचना आई है ये लॉ डिपार्टमेंट को भेजा गया है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा जो निर्धारित तिथि है वो 5 तारीख तक की है, हमारे पास कल तक का समय है क्लैरिफिकेशन आने के बाद, क्योंकि उसमें कोई भी ड्रॉ ऑफ लॉट होना नहीं है और वो रिजर्वेशन रोस्टर जो भी क्लैरिफिकेशन आएगा उसके बेसिस पे जारी किया जाएगा। तो अभी हमारे पास कल तक का समय है, जैसे ही क्लैरिफिकेशन आएगा उसके उपरांत जो रोस्टर है वो जारी किया जाएगा।